पायल की तबीयत दोबारा खराब हो गई है और लड़की रो रही है और गाने के व्यूज हो गए हैं 15 लाख। पायल अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं स्कूल की। तो एक तो लंच भी नहीं मिलता था, सिर्फ सुबह चाय एक रोटी मिल गई, मिल गई। इतनी मेहनत करी है इसने पढ़ाई के लिए। तो भैया अभी थोड़े नमूना लग रहा हूँ मैं, सोचा इसको थोड़ा मार्केट में घूम के आऊँ, बांध गया ना पहन के, लेजर हो गया मेरा, थोड़ा सा चमक गया हूँ मैं लग रहा मुझे। तो तीनों बच्चों को लिटा के ना फिर मालिश कर सकते हैं ना। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग धमाकेदार इसलिए है, गाना 3 नंबर ट्रेंडिंग में चल रहा है और गाने के व्यूज हो गए हैं 15 लाख। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। जहाँ पायल दिख जाती है वहाँ प्यार इतना बरसा देते हो आप, तो मजा आता है। लड़का यहाँ पर है। हाँ भाई क्या हो रहा है? अभी स्कूल से आया। हाँ। आज तो पोपटी हो गया। क्या हुआ जिसमें? नितिन भैया सोए हुए थे, वो गए नहीं। और आज दूसरी मैम थी इसकी, वैसे जो मैम रहती है ना वो नहीं थी आज, दीप्ति मैम नहीं थी आज, दूसरी मैम थी। तो अच्छा इसको ना जग्गा भैया के हाथ भेज नहीं रहे थे, क्योंकि वो कार्ड पे जग्गा भैया की फोटो नहीं है ना, नितिन की, मेरी और गोलू की है। भैया का कॉल आया, मैं तो नहा रही थी, मेरा फोन साइलेंट था। फिर लक्ष्य के पास आया, फिर लक्ष्य मेरे पास आई, दीदी दीदी दी। मैंने कहा मैं नहा रही, नाते नाते कैसे कॉल करूंगी। फिर मैंने कहा गोलू को उठा, फिर गोलू को उठाया, फिर इसको बेचारे को लिया। इससे मैं आप क्या कहना चाहूँ? पापा बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। मैं भी बोल मैम को, मैंने भी बोला था, मैम ने फिर भी बोला कि अभी बच्चा नहीं जाना, मैं कॉल करके बोलूंगी। अच्छा इसने बोल दिया था कि मेरे भैया भेज दो, तब भी नहीं भैया नहीं बोला तो मैंने बोला था गॉड बॉडीगार्ड है मेरे। अच्छा 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 जी क्या बात है। इसको थोड़ा रॉबल बच्चे को होता है ना, होता है, कि कोई लेने आ रहा है तो मैं बोलूं बॉडीगार्ड है मैडम को। हमारे तो पापा मम्मी आते थे ना बेटे लेने। आज अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं स्कूल की। कोई ये पूछ रहा था ना मुझे, अभी इसकी बात हुई थी ना स्कूल की, तो मैंने कहा बेटा तुम्हें तो लेने भी जाते हैं छोड़ने भी जाते हैं, हम रेडी भी होते हैं करते हैं, मतलब आपको लंच भी देते हैं। मेरी मम्मी, हम तो 6-6 भाई बहन थे, तो एक तो लंच भी नहीं मिलता था, सिर्फ सुबह चाय एक रोटी मिल गई, मिल गई। उसके बाद भैंसे थी तो पहले दूध दे के आना पड़ता था सब जगह, पहले घर के पास दे के आना पड़ता, फिर स्कूल के आगे देना पड़ता था। टाइम खत्म हो जाता था 7:30 बजे का स्कूल होता था, तो जैसे गेट पे पहुंचती थी रोक लेते थे वहाँ के, सारे जाते थे दूध देने वाले। तीनों बहने थे हम, तो गेट पे रोक के फिर वो पूरा ग्राउंड का कूड़ा उठवाते थे हमसे, फिर उसके बाद हमें क्लास में। क्या बात है, वेरी गुड। लेट होने की पनिशमेंट थी। सही है। कितनी मेहनत करी इसने पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए तो नहीं करी, वो तो मैं नाम के लिए जाती थी। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ चीकू का नया हेयर कट, आपको कैसा लगेगा? आओ बेटे थोड़ा शक्ल दिखाओ इधर आके। क्या बात है चीकू, नितिन की तरह, नितिन चाचू की तरह लग रहा हूँ ना। नहीं नहीं बेटा, नितिन चाचू तो सुंदर है बहुत, ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर। तो गाइस बहुत ही प्यारा हेयर कट है ये मेरा और बहुत सुंदर लग रहा हूँ। बच्चे कैसा लग रहा हूँ? बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल है और ये थोड़े ज्यादा हो गए, इससे कम वाले हेयर स्टाइल आपने कुछ रातों में किया था और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था आपको, हैंडसम। गुंडे का दिल में भी किया था। तो भैया अभी थोड़े नमूना लग रहा हूँ मैं, सोचा इसको थोड़ा मार्केट में घूम के आऊँ, बांध गया ना पहन के, थोड़ा देखो अगर टास्क कर सकते हो तो टास्क दे दिया। इसमें क्या टास्क है, ये तो घूमता रहूंगा मैं ऐसे ऐसे। आपको आपको अजीब नहीं लगेगा? क्यों अजीब लगेगा? आंखों के पीछे आएगा तो आर्टिस्ट आदमी है हम, हमें क्या अजीब लगेगा? अब वो देखो वो भी हीरो चश्मा पहन लेना, चश्मा सारे नमूने इधर इसी घर में। हाँ सही बात है, सारे चीकू जैसे बना रहे ऐसे बन रहे हैं। बोलू भैया चेंज कर रही है, कितने दिन बाद चेंज कर रही है? ये हम चेंज कर रहे हैं जब हम लेकर आए थे, महीना हो गया, मतलब ये लगा लो ये महीने चल जाते हैं। तो कुछ कौन सा लगाऊं, ये वाला लगाऊं ग्रीन? गाइस यहाँ पर आ गया मजेदार सा प्रोटीन और अभी मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा सा कौन सा कलर है ये, ग्रीन नियॉन, नियॉन नियॉन कलर पहन के। और गोपाल ने ना बहुत दिन से मुझे कह रखा है कि भैया एक मैट ले आओ, मैट ले आओ, मैट ले आओ। आज फाइनली उसकी डेट फाइनल हो गया तो मैं लेने जा रहा हूँ मैट। और लड़की भी आ गई नहा धो के। और नहा तो मैं पहले ली थी, मैंने वो मोटे वाले कपड़े पहन लिए थे, सांस नहीं आ रहा था, उसमें सांस नहीं आ रहा था। अब ठीक है, अब चेंज करके आई हूं। दिनों ऊपर चली जाए, धूप चल रही है ना ऊपर। हां ऊपर जाती हूं अभी थोड़ी देर। कुछ बना दो तेरे लिए आज मजेदार खाने का, चूल्हे पे? हां चलो ठीक है, आके बता। मैं सोच लेती हूँ पहले क्या बनवाना है। ठीक, आज आपसे चटनी बनवाती हूँ सिलबट्टे पे। ठीक, देसी खाना गाँव में हरियाणा। तो गाइज मैं आपको 2-3 दिन में, मेरी एक ऑडियो है जो मैंने अभी गाना गाया था और वो ऑडियो ही मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो आपको सुनना है, बताना है, कमेंट करना है क्या आप उसकी वीडियो चाहते हो या नहीं। और पायल का बहुत ही फेवरेट गाना है, पायल कह रही है वीडियो कर लो, मैं बोला नहीं मैं पहले ऑडियो डालूंगा यूट्यूब पे, और ऑडियंस ने प्यार दिया, सुनेगी पूरी पूरी लाइनें सुनेगी ऑडियंस, उसके बाद मैं उस गाने की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना भाई? बिल्कुल सही बात है, आप लोगों का प्यार देखना चाहते हैं ऑडियो से, ऑडियो से कि आपका ऑडियो में कितना रिस्पांस मिल रहा है, फिर उस पे हम वीडियो का काम करेंगे। पायल का हेयर स्टाइल हो रहा है आज, पायल कुछ धमाल मचाने वाली है, रील बनाने वाली है। मैं बहुत सारे कम से कम 15-20 आउटफिट में रील बनाने वाली हूँ। और गोलू का? गोलू शावर ले रही है, उसको 1 घंटा हो गया शावर लेते हुए। कोई नहीं, नहाने तो दिया शांति से, शांति से 1 घंटा कौन नहाता है गुड्डू? वो नहाई होगी कई दिनों, नहाई होगी? नहीं नहाती तो रोज है। मैं, आप लोग सो रहे थे ना सब,
तो मैं सुबह सुबह उठ के सारा जो जो काम करना था वो काम कर खत्म करके नहा धो के बैठ गई थी। चीकू को मैम को ले फोन करना था, वो सोए रही थी, बार बार लक्ष्य मेरे को तंग कर रही थी। तो भैया यहाँ के लिए लेके आ रहा हूँ मैट जबरदस्त वाला। बेटा टाइम मिल गया बाहर आने का? हाँ टाइम मिल गया नहाने का। थक गई थी क्या? नहीं नहीं थकी नहीं थी, नहा के ना। तो भैया हम पहुँच गए क्लिनिक और यहाँ पर एक शख्स लेटा हुआ है, लक्ष्य। लक्ष्य यहाँ लेटी हुई है और इसको कार्बन फेशियल हो रहा है। मैडम कौन सा फेशियल आज? कार्बन फेशियल सर, ओपन पोर्स और एक्ने के लिए बेस्ट फेशियल है मेडी फेशियल्स में। उससे हीलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, स्किन रिजुविनेशन हो जाएगी, ओपन पोर्स टाइट हो जाएंगे। तो गाइस हम ना इंस्टाग्राम और कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से ले लेना। तो ये क्या लग रहा है इसके फेस पे? कार्बन फेशियल। तो इससे ये जो चेहरा है सुंदर हो जाएगा और बिल्कुल एक्ने जो एक्ने आ रहे हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। ओके बेटे पहले करवाया आपने कभी? नहीं फर्स्ट टाइम। दर्द होगा थोड़ा सा, डरना नहीं। ये मज़ेदार सी कॉफ़ी और डॉक्टर साहब बहुत सेवा करते हैं हमारी। तो आज लेज़र हो गया मेरा, थोड़ा सा चमक गया हूँ मैं लग रहा है मुझे, आप भी बताना। थोड़ा सा चमक गया गया हूँ, पेनफुल था थोड़ा सा, पर मज़ेदार रिजल्ट आते हैं इसलिए थोड़ा पेनफुल रहता है। यहाँ पे चल रहा रील का शूट और जिस गाने का शूट चल रहा है ये आप देखो, चीकू पूरी मस्ती कर रहा है। ये मैं अभी लेके आया हूँ। हाँ। कैसा लग रहा है चीकू? ऐसा लग रहा पापा कि मैं स्विमिंग पूल में हूं। पायल गोल कैसा लग रहा है? कमाल, अच्छा है, बहुत सुंदर। मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा तीनों बच्चे आएंगे ना तो तीनों बच्चों को लिटा के ना फिर मालिश कर सकते हैं ना। गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ भैया मॉल, एक गाने का शूट है उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करने जानी है। गाना आने वाला है, आज तारीख हो गई है यार 22-23 तारीख को गाना रिलीज करेंगे हम एक और गाना। पहले किया था मैंने वो, पर उसमें ना बहुत सारी कमियां थी। मैं चाहता हूँ आप एक बार दोबारा फिर आप देख लेना थोड़ा सा, उसमें बहुत सारे मतलब 90% चेंजेस किए मैंने गाने में, तो आप एक बार दोबारा फिर प्यार देना गाने को। पहले अंदर सो जा बेटा, यहाँ पे ना ये टाइट है नीचे गद्दा, आराम। सही लग रहा है तेरे को? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चल मैं जा रहा हूँ फिर। ठीक है हो जाओ आप। ठीक पापा मिल लेना, ऐसे ना बहुत सारे जैसे फंकी कपड़े ना बहुत सारे ले आना। ठीक है बेटा, और अपने लिए भी ले आना। और कोई सेवा? नहीं कुछ नहीं, मेरा ना अलग अलग ना ऐसे एक फंकी कपड़े ले आना। ठीक है सर। पक्का? कैसे फंकी बोल रहे? मेरे मेरे जैसे आपके जैसे मिलते ही नहीं इसके। ठीक है दिल्ली से ले दूंगा पक्का। ठीक है ठीक है। एक जैकेट लाना फिर। ठीक है भाई। आपने ना मेरे को बहुत ही कम जैकेट वैकेट में देखा होगा, क्योंकि ना मेरे को ना थोड़ा सा ना ठंड थोड़ी कम लगती है, जब लगती है तो मैं सोता रहता हूँ, फिर मैं बाहर ही नहीं निकलता, जैकेट वैकेट पहनता ही नहीं हूँ मैं। तो बस अभी जा रहा हूँ एलएनटी मॉल और वहाँ से खरीदेंगे कपड़े और फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। हाँ जिमी क्या हुआ, ठंड तो नहीं लग रही बच्चे को? नहीं नहीं बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, मेरे साथ बैठा हुआ है आराम से, आपको देख के पूछ ला रहे हैं। बाल कटवा दूँ? ऐसे बाल बड़े लग रहे हैं। पर मैं सोच रही हूँ कि बाल अभी राहुल बाल नहीं कटवाने चाहिए ना बेटे इसके, ठंड हो रही है ना, रहन दो बाल अभी छोड़ो, ये बाल ही इनकी प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि जितना मर्जी इसको स्वेटर पहनाए पहनता नहीं उतार देते हैं। तो भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं हैरी, और हैरी हमारे डिजाइनर है, हैरी हमारे साथ जा रहे हैं आज। चले हैरी भैया। हाँ जी भैया आ जाइए। तो गाइस इतने कपड़े ले लिए हैं, घर जाके दिखाऊंगा, शॉपिंग कर दी फुल भरमार। तो अगले गाने में फुल मजेदार कपड़े दिखने वाले हैं, देख लो बैग भर ले आए हम। चले चले चलो सर। इस कपड़े फुल हो गए तैयार, चलो ऊपर जाके दिखाते हैं क्या ले गया। तो भैया पायल की तबीयत दोबारा खराब हो गई है, लड़की रो रही है, मैं उसको कह रहा हूँ चल हॉस्पिटल चलते हैं। चल ना क्यों लापरवाही कर रही, 2 मिनट ना एडमिट हो जाओ, सुबह आ जाओ। चल नहीं 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 हॉस्पिटल में नहीं आती, मुझे गोल मेरी नजर उतार दे। नजर लगी हुई ठीक हो? ऐसे कमेंट भी आया था कि पायल दीदी की जब तबीयत खराब होती है ना उनकी नजर उतार दी करो। गोल पानी ले जाइयो, लक्ष्य पानी ले, दोनों एक साथ खा लूं। हाँ हाँ और क्या, वो ये वॉमिट की दवाई दो ही खानी है, डॉक्टर ने जब भी बोला दो खानी। तुम बताया भी मुझे, कॉल भी नहीं करा तुमने। नहीं जस्ट हुआ, मैं अभी बाहर से आई थी, अभी बैठी हुई थी, मैं लेटी, खांसी जैसे हुआ, खांसी जैसे थी ना उल्टी का ऐसे हुआ। टैटू दिख रहा है आपको? हाँ। ये टैटू इधर है। तो कौन है ये? ये मम्मा। तेरी मम्मा है? हाँ। मेरी क्या है? आपकी तो दीदी है। मम्मा बेटा मेरी मम्मा ये। मैं ये बोल रही थी पायल को भी थोड़ी देर पहले भी 2-3 बार बोला है, क्योंकि पायल तेरी तबीयत इसलिए खराब है, कभी कभी ना बॉडी रेस्टलेस हो जाती है, प्रेगनेंसी में ज्यादा आराम करना होता है और कभी कभी नहीं आराम होता ना, तो इसलिए भी हो जाती है। तो मैं यही बोल रही हूँ टाइम से सो जाओ। ऐसे देखो गोल गप्पे जैसे बच्चे होंगे, बस फिर खुश रहा अगर तू। कपड़े दिखाओ जो लेके आओ। हाँ दिखाओ, क्या लेके आओ? लेके आई तेरी शक्ल नहीं है चश्मे वाली, पूछ ले जा मम्मी से, पूछ ले। ये तो जब मैं एरोप्लेन उड़ाऊंगा तब लगाऊंगा। अच्छे हैं? अच्छे नहीं बहुत अच्छे, डिफरेंट एकदम। तो बेटा ये शर्ट पापा लेके आए हैं। हाँ, तो अभी नहीं पहन सकते आप? क्यों, ठंड है अभी तो। अरे मैं इसको जैकेट भी लाऊंगा। बोलो चीकू आराम से निकालिए बेटा। है ये स्वेटर है चीकू? हाँ ये छेद वाला स्वेटर है।
और भी है बहुत सारे स्वेटर। और एक ये स्वेटर है, ये अच्छा लग रहा है, दिखाई चिकू वाला स्वेटर दिखाई, वो दिखाई अच्छा लग रहा है। एक टी शर्ट ले ले, तू भी पहन सकते हो, नीचे व्हाइट टी शर्ट पहनेंगे ना भाई, बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत सुंदर है, व्हाइट स्पेगेटी पहन के। आपके पास ऐसा ज़ारा का एक स्वेटर भी है ना ऑलरेडी, ब्लैक कलर का। पापा ये भी स्वेटर है, हाँ कितना स्वेटर है पापा, अरे बहुत लेके आऊँ चीकू। और एक ये क्या है, और ये भी एक स्वेटर है, बस फिनिश हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है, बहुत सारे अच्छे हैं। तो गाइस अभी दो मिनट में आने वाली है पूजा, आज है लड़की का बर्थडे और सेलिब्रेशन हमारे साथ ही करें पूरी फैमिली के साथ, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस पूजा आ चुकी है और सब लोग हो गए रेडी, तो बर्थडे पार्टी में भैया मैं और गोलू जा रहे हैं और पूजा पीछे है। पूजा हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। और पायल की थोड़ी सी तबीयत खराब, पर है ना घर के सामने जा रहे हैं क्योंकि ना अच्छा लगता, पूजा ने सारा प्रोग्राम ना हमारे चक्कर में बना रखा था। और पूजा सबके बर्थडे पे आती है, तो मैंने लक्ष्य को बोला, मैंने कहा तू पायल का ध्यान रख, पायल को मैंने 2-3 बार बोला है, बट वो कह रही है गोलू मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, तो ये रही पायल। पायल पायल बच्चे इधर आओ, अभी भी कह रही हूँ चल ले, नहीं 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 तुम लोग जाओ सामने, हम ज्यादा दूर थोड़ी हूँ, पास में दो, सामने सामने रोड पार करते हैं, ठीक है चले, चल ठीक है, ध्यान रखियो लक्ष्य, चलो एक पूजा। तो गाइस फाइनली ना हम लोग पहुंच गए हमारे घर के सामने आए हैं, क्योंकि कहीं और गए थे ना, तो हमारा पोपट हो गया था, वो बंद हो गया था, वेट किया जा रहा खाने वाने का, जब खाना आता है, और बस 20 मिनट रह गए, आज पूजा पूरे 23 साल की हो जाएगी। हाँ सर ये 23 साल कितने साल की होगी, 23 आपने सही बोला है, मैं तो हैरान हूँ आपको याद है मैं 23 की हो रही हूँ, याद रहेगा नहीं भैया कैसी बातें कर रही, हाँ 23 की हो रही हूँ, ये वाला बर्थडे तो मुझे हमेशा याद रहेगा। तो भैया हैप्पी बर्थडे पूजा, आज पूरे 25 साल की हो गई लड़की, हैप्पी बर्थडे पूजा। और आज हम विक्रम भाई को मिस कर रहे हैं जो इनके हस्बैंड हैं, और ये हमारी फैमिली मेंबर हैं, हमारे घर में सबसे बड़ी भी हैं, राय भी गोलू पाली। तो गाइस 12 बज गए हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस ये एक इंसान, ऐसा इंसान है जो बच्चों की जो बोलते हैं ना मासी है, वो ये है, तो इतनी एक्साइटेड है ना, हमारे से ज्यादा एक्साइटेड है बेबी शावर के लिए, बच्चों के लिए, चीकू को इतना प्यार करती है, चीकू चलो मासी का केक काटेंगे आओ चलो। मैं कुछ बोलूंगी ना और मैं रोने लग जाऊंगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये थोड़ी इमोशनल हो जाती है जल्दी। जानने को मिस कर रहे हैं, जानने इनकी बेटी है, इनकी हमारी बेटी है, और वो हमेशा केक वही कट करती है, कोई बात नहीं, आज उसके जगह अच्छी को, और ये समझ लो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रहते हैं तब भी यहाँ तक आए, और हमारे सौभाग्य है यार लोग इतना प्यार करते हैं हमें। नहीं मेरा सौभाग्य है जो आपने इतने कीमती टाइम में से टाइम निकाला मेरे लिए। नहीं लोग भी हैं तो विश करना पूजा को, और हमारी उम्र भी इसको लग जाए, एक साल दे सकता हूँ, क्योंकि दो दो बीवी है ना, ज्यादा नहीं दे सकता, एक साल तक को दे देगा। थैंक यू, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू पूजा, पहले पूजा खिलाओ भैया, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, मैं खिलाता हूँ, लव यू। तो विक्रम भैया को हम बहुत ज्यादा मिस करें, अगर वो भी होते तो बहुत मजा आता, नेक्स्ट टाइम एक काम करेंगे, जानिया विक्रम भैया सारे सेलिब्रेशन इकट्ठे करेंगे, ठीक है पूजा। कितना घंटा लगा, मैं ज्यादा टाइम थोड़ी लगा, मैं वही तो बोल रहा हूं, 11:30 बजे गए थे, 12:05 पे घर आ गए। हाँ है चीकू, हाँ जी पापा, और बता, बहुत जल्दी आ गए, चलो मम्मी को जाके नमस्ते करो, सो गए बच्चा, नहीं लेटी थी, कुछ खाने, कुछ खाने नहीं, सोने का दिल कर रहा, नींद नहीं आ रही, बस कोई मूवी मूवी देखनी मेरे साथ, नहीं नहीं मूवी देखनी, कुछ खाने का बना दो, चाय बना दो, नहीं नहीं गुड्डू, और कुछ, कुछ बाहर से खाने क्या, नहीं कुछ भी नहीं, जल्दी आ गया आप लोग, हम लोगों का वो नहीं, हमने डिनर नहीं किया, हमने सिर्फ स्नैक्स खाए। आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखें, सेफ रहें, नमस्ते।